कि प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रामण को उत्तर प्रदेश के देवबंद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां का माहौल खराब हो गया है और चंद्रशेखर रामण भी झूठ बोल रहा है। चंद्रशेखर रामण कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि दर्शक ये जान ले और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ये समझ ले, चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, अगर आप पदयात्रा भी निकालते हैं तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। देवबंद से रावण गिरफ्तार, बीजेपी के खिलाफ रावण का मोर्चा, बीजेपी के खिलाफ रावण का समर्थन का ऐलान, 2019 में पड़ेगा असर। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई, धारा 144 लग गई, जिसका उल्लंघन करना भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को बेहद भारी पड़ा और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को थाने की तरफ बढ़ने से रोकने का पूरा प्रयास किया। पुलिस ने रावण को पदयात्रा निकालते समय गिरफ्तार किया। आचार संहिता का उल्लंघन है, ये पूरी तरह से उनको समझाया गया है, जानकारी दिया गया है। इतने जानकारी देने के बावजूद एमसीसी कोड को, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के द्वारा और उनके सपोर्टर्स के द्वारा। उस रैली निकालने को लेके स्थानीय पुलिस के द्वारा रोका गया है, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, जो एमसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को देवबंद पुलिस ने कासमपुर से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि उनका संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशियों का खुला समर्थन करेगा। अब गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि उनकी तानाशाही से दलित या मुस्लिम नहीं, सर्व समाज पीड़ित है। साथ ही रावण ने बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील भी की है और अपील ये पीएम मोदी के खिलाफ उन्हें संयुक्त प्रत्याशी घोषित करें तो वह चुनाव के रण में उतरने को भी तैयार है। पिछड़ों मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है। मैं यहाँ देश में दलित पिछड़े मुसलमानों के बहुजनों की आवाज उठाने के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ दिल्ली, तो सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये कोई षड्यंत्र है, आपके खिलाफ साजिश है, क्या मानते हैं? ये यूपी गवर्नमेंट तानाशाही है। प्रशासन यूपी गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भीम आर्मी ने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा जीतने वाली नहीं है। अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, सभी दल वोटरों को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तब उस वक्त ऐसे शख्स की गिरफ्तारी जिसका अपना एक मजबूत जनाधार है, एक मजबूत फॉलोअर्स है, उसकी नाराजगी सत्ता को बेहद भारी पड़ सकती है। और ऐसे में यह ऐलान कि जिस सीट पर बीजेपी को हराने वाला प्रत्याशी मजबूत नजर आएगा उसे भीम आर्मी अपना समर्थन देगी, यह ऐलान भी बीजेपी की नींद उड़ाने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत समाचार पर खबर